तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा ऐप जिससे आप जो है अपना फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्योंकि जेंडर और सेरिट के बैन होने के बाद बहुत से लोग ऐसा ऐप ढूंढ रहे हैं जिससे कि आप फाइल शेयर कर पाओ। तो मेरी नज़र में एक इंडियन ऐप है जिसका नाम है गरुड़ ऐप। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप जो है गरुड़ ऐप से जो है अपना फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो एकदम ईजिली। मैंने जो है ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप जो है वहाँ जाके ये ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर में भी ये जो ऐप है ये आपको अवेलेबल है। सबसे पहले आपको ऐप ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सेंड या रिसीव। नीचे में लिखा है बहुत ही प्यारे अक्षर में मेट विथ लव इन इंडिया, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हमें सभी को इंडिया से बहुत प्यार है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सबसे पहले आपको जिस फ़ोन से सेंड करना है वहाँ पे आपको सेंड बटन दबाना है, जहाँ से आपको रिसीव करना है वहाँ से आपको रिसीव बटन दबाना है। रिसीव बटन दबाने, सेंड बटन दबाने के बाद आपको पहले फ़ोन में सेलेक्ट करना है कि आपको क्या भेजना है। फॉर एग्जांपल मैंने जो अभी अभी वीडियो शूट किए हैं बहुत सारे, तो मैं वो वीडियोस भेजना चाहता हूँ, तो मैंने तीनों वीडियो को सेलेक्ट किया और नीचे में दोस्तों यहाँ पे जो है एरोप्लेन टाइप का सेंड बटन दबाया, वहाँ पे आपको दबा देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक जो है सेटअप करना है अपने हॉटस्पॉट को। जैसे आप हॉटस्पॉट सेटअप करोगे तो एक क्यूआर कोड आ जाएगा, आपको उस क्यूआर कोड को दूसरे फ़ोन से स्कैन करना है। स्कैन करने से पहले आपको जो है वाईफाई इनेबल करना पड़ेगा। दोस्तों वाईफाई इनेबल करने के बाद कैमरा चालू हो जाएगा, आप इसको स्कैन कर लीजिए। जैसे ही आपका स्कैनिंग कंप्लीट होगा तो ये फ़ोन ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे ट्रांसफ़र जो है वो चालू हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र है वो चालू हो चुका है, ऑन गोइंग टास्क, और फाइल यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो दोस्तों ऐसे जो है आप जो है यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो फाइल्स है वो तीनों सेंड हो चुकी है। बीच में इंटरप्शन आ गया था, तो वो इसलिए आया था क्योंकि मेरी फाइल्स जो है बैकग्राउंड में ओपन थी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए ऐसे बहुत से वीडियोस लेके आते रहें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।